नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं मिथिला के एक सुरीले कलाकार। सुरीले इसलिए कह रहा हूँ कि लक्ष्मी पुत्रों की भीड़ में सरस्वती पुत्र कम मिलते हैं, तो उनमें से एक हैं हमारे प्रवीण कुमार मिश्रा जी, प्रवीण कुमार यादव जी, और बहुत ही अच्छे शख्सियत भी इनकी अच्छी है, बातचीत भी, जो चूँकि देखिए जो सीखा हुआ बंदा होता है, जो पढ़ा लिखा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, उनका एक अलग, हर चीज़ अलग होता है, उनका उठना बैठना, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, और वो उनकी बातचीत, अदब और जो चीज़ें होती हैं। तो अदब चूँकि हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही मिलती है, और इस मामले में हम खुशनसीब हैं कि सिर्फ संगीत ही मेरे ख्याल से एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ पर अदब बचा हुआ है, नहीं तो बाकी जगहों पे आप जब जाएं तो जिस तरह से लोगों में बातचीत रह गई है या जिस तरह से लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो वो बड़ा। तो चलिए, आज प्रवीण जी हमारे बीच हैं तारा म्यूज़िक के इस अर्पित मीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिर से, क्योंकि इनके बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमने करी है और आप लोगों ने उन गानों को बहुत अपना प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद इन पर रखा है। तो आज मैं जब प्रवीण जी आए तो मेरे मन में हुआ कि इनके अंदर की कुछ चीज़ें, इनके अंदर की जो बातचीत है या इनके अंदर जो सोच है, उसको मैं निकाल के आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मिथिलांचल के सुरीले कलाकार, फिर से कहूँगा मैं, प्रवीण कुमार यादव जी से मिलते हैं हम लोग। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सतीश भैया। नमस्कार मिथिला। प्रवीण जी, पहले अपने बारे में कुछ बताएं आप। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है, जैसा कि भैया ने बताया, और हम बिहार में दरभंगा से बिलोंग करते हैं। दरभंगा केवटी प्रखंड में दरिमा गांव राधा कृष्ण टोल से बिलोंग करते हैं। 1.5 साल पहले मैं दिल्ली आया हूँ, तब से मैं दिल्ली में हूँ, और काफ़ी प्रोग्राम करने के बाद भैया के साथ कई एल्बम्स हमने करे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स करी है जो बहुत अच्छी हुई, आप लोगों का प्यार गुलार मिला, बहुत अच्छा लगा, और आज भी हम यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ही आए हैं। तो रिकॉर्डिंग से मेरे बात में जहन में एक बात आती है कि आपने गाना बजाना कब से शुरू किया, पहले ये बताएं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 8वां में था, मतलब 2008 की बात है, तब से मैंने शुरू करा था। क्या वो सही होगी आपकी 2008 में थे तो 8-5-14 आसपास यही होगा जी, 14-15 ऐसे। ठीक, 15 साल की उम्र से आपने गायन जी, तो सीखा भी आपने जी? सीखा मैंने। कहाँ सीखा? मैंने सबसे पहले मैं अपने ही गांव के अखिलेश कुमार झा जी हैं, उनसे सीखा, उन्होंने मुझे प्रभाकर करवाया। प्रभाकर क्या होता है? प्रभाकर होता है प्रयाग संगीत समिति में एक बीए लेवल का कोर्स होता है, उसको प्रभाकर कहते हैं, 6 साल का कोर्स होता है वो, तो वो मैंने किया। उसके बाद साइड से बीकॉम करा था मैंने, तो प्रभाकर करने के बाद और बीकॉम करने के बाद मेरे जहन में था कि अब आगे दोनों में से किसी एक चीज़ को बढ़ाया जाए, तो संगीत में मेरी बहुत रुचि थी। तो उसके बाद हमने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी डिपार्टमेंट, म्यूजिक एंड ड्रामाटिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने म्यूजिक में एमए कराया। ठीक। और आज अभी उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में दिल्ली घराना से उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब से सीख रहा हूँ, अभी भी शिक्षा जारी है जी। तो मैंने दोस्तों ये बात इसलिए पूछा कि मैं इसे ज़रा नज़दीक कर दूँ ताकि इनकी बातें और इनको आप नज़दीक से देख पाएँ। तो मैंने इसको इसलिए ये सवाल रखा था कि आजकल लोग 2-4 गाने सुन लेते हैं इधर उधर से और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं और उसके बाद लगता है कि उनको वो अच्छा गाने लगे हैं और वो कलाकार हो गए हैं। तो प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने, आप सीखने से पहले गाते थे कि नहीं? नहीं, मैं सीखने से पहले जैसे हर बच्चा गाता है वैसे ही मैं स्कूल वगैरह में गाता था जी। ये देखिए पॉइंट है। हाँ, मैं उससे पहले एक, मुझे याद है कि एक बार हमारे गांव में एक शादी हुई थी हमारे पड़ोसन की, तो हमारी दीदी लगती थी वो, तो मतलब जीजा जी आए थे, तो उन्होंने हमें बुलाया, मुझे याद है दिवाली की रात थी, उन्होंने बुलाया
तो उन्हें वो जो जीजा जी थे नए नए थे, उन्होंने बताया कि मेरे मतलब घर के जो सदस्य थे, उनके घर के सदस्य थे, उन्होंने बताया कि मेरे गांव के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाते और नाचते हैं। हम गए, मेरे दो छोटे जुड़वा भाई हैं, तो हम तीनों गए। तो मुझे याद है कि उन्होंने बताया कि ठीक है शुरू करिए। उस वक्त आया था ये दिल आशिकाना गदर, ये ठीक। मूवी आई थी। फिर वो हम गाना गा रहे थे तो हमें याद है कि हमें 5-5 रुपया मिला था वाह और एक वाह किसमिस का टॉफी मिला था। हम वाह गाते थे, मेरे दोनों भाई डांस कर रहे थे। ये वाह मुझे घटना ये याद है मुझे क्या बात है। जी। तो मतलब पहले पहले ही प्रोग्राम में आपको अच्छा इनाम मिल गया। तो मुझे ये बताएं कि आपने जो जो भी मतलब आपने सीखा, जी तो पहले भी गाते थे और सीखने के बाद गा रहे हैं, तो क्या फर्क लग रहा है? जब आप पहले गाते हैं तो अगर देखें तो कोई बंदिश नहीं रहती, पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ गाने पे ध्यान रहता है, हम गाते जाते हैं। लेकिन सीखने के बाद हमें ये याद रहता है हमें सुर में रहना है, हमें इस दायरे से बाहर नहीं होना है, ये स्वर स्वर ही लगाना है जिस थाट में गाने हो वगैरह वगैरह। और तो थोड़ा स्वर भी जी पक्का जी जी होता है। हाँ स्वर भी पक्का होता है। अगर एक राग को पकड़ के चल रहे हैं तो आपको पता है कि इस राग में अगर स्वर हमारा इस तरह से चला जाता है तो वो गलत हो जाएगा, जी तो जी वो सही और गलत की जो पकड़ है वो हाँ भी। हाँ वो सीखने के बाद आई जी। जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि संगीत सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संगीत सीखकर वही आदमी अच्छा गा सकता है जिसके अंदर संगीत हो, जो जो जिसको ऊपर वाले ने नहीं नवाजा है संगीत से, वो सीखकर भी अच्छा गायक नहीं बन सकता है। सीखकर आप उस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। क्यों जी आप एकदम हैं? सहमत हूँ जी। क्योंकि देखिए, मैं दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये, और इनसे खास करके इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कलाकार ऐसे आते हैं जिन्होंने सीखा नहीं है और उनकी उम्र है अभी सीखने वाली। कम उम्र के कलाकार आते हैं कई बार, तो मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूँ कि ठीक है, एक शौक है तो आप चलो रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि उनके अंदर कुछ बात है तो मैं उन्हें ज़रूर ये सलाह देता हूँ, और कम से कम एक अलंकार तो मैं ज़रूर बता देता हूँ कि भाई अगर ज़िंदगी में समय है तो सारेगामा पधा निसा इतना कम से कम कर लो, जी क्योंकि एक सा को अगर हमने साथ लिया तो फिर सब कुछ सद गया। तो प्रवीण जी, आप क्या सोचकर आए थे दिल्ली कि आपको एक खतरनाक सा आदमी मिलेगा जो कि आपके साथ म्यूजिक का काम करेगा? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था सिर्फ स्ट्रगल करूँगा, सीखूँगा और आगे की तरफ बढ़ना है। मुझे परफॉर्मर बनना था, स्टेज परफॉर्मर का मेरा शौक है और एम्बिशन भी वही है, मेरा गोल भी वही है कि मैं स्टेज परफॉर्मर सिंगर बनूँ। तो ये सोच के आया था। उसके बाद कुछ किस्मत भी, एक बार आपने बताया था कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत तो होती ही है। हाँ तो उसी के दौरान भगवान ने चाहा, एक तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी इस संसार में मिलिए सबसे धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो बिल्कुल कभी कभी पता नहीं आपके जीवन में कौन कौन वो शख्स मिल जाए जो आपको नीचे से बहुत ऊपर हाँ पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी दौरान फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर जो हो रहा है मतलब कई रिकॉर्डिंग भी हुए, कई बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपसे, आप अनुभवी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो आप अपना जो आपने पीछे गाया था कुछ उसमें से सुनाना चाहेंगे जो आपको आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है? हाँ क्यों नहीं। मैंने एक सबसे पहले जो आपके साथ मैंने काम किया था, भक्त तोहर छो दीवाना, कि उसका स्थाय मैं गुनगुनाना चाहूँगा कि चढ़े छो चुनरी लाल लाल, भक्त तोहर मागे छो कमाल, जाने छे सारा जमाना, भक्त तोहर छो दीवाना मागे, भक्त तोहर छो दीवाना मागे, भक्त तोहर छो दीवाना मागे, भक्त तोहर छो दीवाना। क्या बात है दोस्तों, ये वही वाला भजन है जो जो मैंने अपने क्यूबेस के ट्यूटोरियल पे भी डाला हुआ है, और मैंने उसमें भी बताया कि प्रवीण कुमार यादव जी हैं सिंगर, तो यही हैं वो। और उस ट्यूटोरियल को आप लोग बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं, उस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी आते हैं, और बहुत सारे उस पर इनबॉक्स में भी और फ़ोन से भी पर्सनली लोग मिलते हैं। और तो आप लोगों की एक ये भी क्वेरी थी कि इन सिंगर से कभी मिला ही, तो आज हमारे बीच में प्रवीण जी हैं। तो प्रवीण जी, आज जो हम लोग मिले हैं, तो आज का विषय क्या है आप ही बताएं।
आज हम लोग एक छठी मैया का गाना लेकर आ रहे हैं। जैसा कि दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रहे हैं, तो हम लोग छठी मैया का गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं जी, उसी पे काम चल रहा है। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में षष्ठी छठ के व्रत का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं भी पैदा हुआ हूँ तो माँ के ही आशीर्वाद से। मेरी दादी ने छठ व्रत के दौरान ही मांगा था कि मुझे एक पोता दीजिए, और उसके बाद मैं आया हूँ। तो मैं अपने आप को कभी भी यही मानता हूँ कि मैं छठ मैया का ही दिया हुआ एक मतलब जो भी आशीर्वाद था, तो मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने जन्म दिया है, इस दुनिया में लाया है, इसलिए मैं छठ के प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। और आज भी छठ के गीत गाने के दौरान मैं कई बारी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो पता नहीं, मतलब बाकी भी भजने में गाता हूँ लेकिन छठ के गीतों में लिखते वक्त भी या गाते वक्त भी मैं दिल अंदर से भर जाता है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा छठ का गीत बनाने जा रहे हैं, तो आइए मेकिंग पे चलते हैं जी। मैं इसे अपना ट्राइपॉड तैयार कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग गुनगुनाइए जरा प्रवीण जी। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो वहाँ के भरतिया। ये थोड़ा चेंज हो गया, मैं अभी ट्राइपॉड फिक्स कर लूँ अपना, ठीक है। हाँ ऐसे था, एक नीचे था। अच्छा ये नहीं, हाँ ऐसे अभी ठीक है। स्टैंड को नीचे रखना था, ये हाँ नहीं, ये ज़्यादा तिरछा हो जाएगा। अच्छा अब सही है, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है। आपका चेहरा नहीं दिखेगा लोगों को, तो लोग मुझे गालियाँ देंगे। अब ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये गाना चूंकि अभी अभी हमने लिखा है, हाँ। और मैं इसकी धुन को थोड़ा सा वो करने जा रहा हूँ। पहले हम क्लिक चला लेते हैं, देखते हैं क्या बन पाता है। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया। दूर करू दूर करू जिंदगी सोनार छठी मैया, करू जिंदगी के फिर से गाइए पूरा। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया। दूर करू जिंदगी सो अनहार छठी मैया,
कारु जिंदगी के उजियार छठी मैया। बहुत बढ़िया, थोड़ा और फील डालेंगे हम लोग जी। असल में इस गाने को हालांकि रिदम मैंने चलता ही रिदम डाला, कोई बहुत ज्यादा सैड नहीं करना हमें, लेकिन फिर भी जो इसके शब्द कह रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ये एक विनती है कि हे माँ, जिंदगी में हमारे जो भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, वो सब आप दूर करिए। तो विनती को उसी भाव में जी जी, क्योंकि अभी का माहौल ऐसा है कि हमें थोड़ा सा रिदम चलता रिदम रखना पड़ता है। हाँ। लेकिन हम अपने फील को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक बार और गाते हैं पूरी फीलिंग के साथ। मैं टोन चेंज कर लूं जरा। झूठल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, केलो आहा केलो आहा के बरतिया। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, संगतिया। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, संगतिया। वो फ्लैट हो रहा। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, दूर करू ये थोड़ा असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, के बरतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया। केलो फ्लैट, केलो सीधा। अच्छा, के आहां के में। असरा लगा का केलो आहां के बरतिया। अच्छा, एक बार ये लीजिए। असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, दूर करू जिंदगी, दूर करू जिंदगी, दूर करू जिंदगी, करू 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 जिंदगी। हाँ, दूर करू जिंदगी सोनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया, दूर करू जिंदगी सोनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया। थोड़ा सा और इसको संभाल के लेते हैं, आइए एक बार रिदम के साथ देखते हैं। असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, दूर करू जिंदगी सो अनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहां के बरतिया, दूर करू जिंदगी सोहनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया। बहुत बढ़िया। भूखल प्यासल हम ठाड़ गंगा जल में, शीश झुकाने छी
चरण कमल में, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकोने छी चरण कमल में। और फील लाइए बुआ। भूखल प्यासल, भूखल भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकोने छी चरण कमल में। चरण लगाबो शरण लगाबो, मन हर साबो हे छठी मैया। चरण लगाबो शरण लगाबो, मन हर साबो हर शाबो छठी मैया। हर शाबो मन हर शाबो, चरण लगाबो चरण कहियो चरण कहियो, चरण लगाबो शरण लगाबो, मन हर शाबो हे छठी मैया। ठीक है, अब एक बार अंतरा म्यूजिक के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया आ रहा है। भूखल प्यासल हम ठाड़ गंगा जल में, शीश झुकाने थी चरण कमल में। भूखल प्यासल हम ठाड़ गंगा जल में, शीश झुकाने थी चरण कमल में। चरण लगाबो शरण लगाबो, मन हर शाबो हे छठी मैया। भूखल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा कऽ केलहुँ अहाँके बरतिया। दूर करू जिनगी छठी मैया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए गाते हैं, पहुँचो। अच्छा मिजाज से गाओ, हथियार तो ले जाओ। हाँ एक बार हेलो बोलिएगा, बोलना हेलो। अभी प्लेन रखते हैं माइक। लाइट 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 तो है। आओ बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए। ओके सुर ताल में गाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है कहीं भी। लेकिन थोड़ा सा ना फील को जो है छूटल मैया हमर साथिया संगति, थोड़ा माइक से नजदीक हो जाए। हाँ ऊपर का सुर जब भी गाएंगे ना तो आवाज को थोड़ा कंट्रोल कर देंगे, और नीचे के सुर में थोड़ा प्रेशर देंगे। दरवाजा थोड़ा बढ़िया से बंद करिए पहले। हाँ आप ठीक। आओ छोटा
लल मैया हमर साथी या संगतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, दूर कर जिनगी सौ अना छठी मैया, कर जिनगी के उजिया छठी मैया, छूटल मैया हमर साथी या संगतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, दूर कर जिनगी सौ अना छठी मैया, कर जिनगी के उजिया छठी मैया। ठीक है, अंतरे पे चले। क्या था अंतरा धुन? भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकोने छी चरण कमल में, शीश झुकोने छी चरण, शीश झुकोने छी चरण कमल में। और फिर से पहली लाइन क्या है? भूखल प्यासल हम ठार गंगा, भूखल प्यासल हम, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकोने छी चरण कमल में। थोड़ा और फील ला बेटा। भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, चरण कमल किछे, शीश झुकाने छी चरण कमल में, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकाने छी चरण कमल। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। आओ हम ठार गंगा जल में, शीश झुकाने छी चरण कमल में। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन एक बार और लेते, थोड़ा सुर को ध्यान रखना है। भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकोने छी चरण कमल में। दोबारा आएगा ना? दोबारा ही ना? हाँ। शीश झुकोने छी चरण कमल में, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकाने छी चरण कमल में। वो क्रॉस लाइन आएगी, चरण लगाबो। हाँ, और यहाँ शीश झुकाने छी चरण कमल में, चरण लगाबो, लगातार ही है। हाँ, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकाने छी चरण कमल। गाते हैं साथ में। अच्छा, भूखल प्यासल हम ठार गंगा जल में, शीश झुकाने छी चरण कमल में, चरण लगाबो शरण लगाबो मन हर्षाबो हे छठी मैया। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? उसके बाद फिर कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद वाली लाइन क्या है? इसके बाद कहाँ लिखेंगे? ये पहला लाइन आ जाए? नहीं, मैं लाइन दे रहा हूँ ना, धुन बताओ। छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, कैसे बिताई कोना के बिताबी, कोना के काटी हम दुख के रतिया,
मन हर्ष कोना के काटे हम दुख के रतिया, कोना के काटे हम दुख के रतिया। ठीक है, दोनों लाइन आ जाएंगे। इसके बाद ये, उसके बाद मुखड़े का सेकंड लाइन आ जाएगा ना। अच्छा, करी जिंदगी में उधर उजी यार छठी मैया, मन भर शाहू छठी मैया, कोना काटी हम दुख के रतिया, असरा लगा का कोना का बिताई बिताई सब काटी काटी काटी। हाँ, मन हर शाहू छठी मैया, कोना का काटी हम दुख के रतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, दूर करू जिंदगी सौ अनहद छठी मैया, करू जिंदगी के ये नहीं है ना, दूर कर जिंदगी सोनहार छठी मैया, जिंदगी सोनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया। बहुत बढ़िया, आइए आइए देखते जरा इसमें मसाला लगा के कैसा सुनाई पड़ता है ना। दारा दारा दारा, छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, दूर करू जिंदगी सौ अनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया, छूटल मैया हमर साथिया संगतिया, असरा लगा का केलो आहा के बरतिया, दूर करू जिंदगी सो अनहार छठी मैया, करू जिंदगी के उजियार छठी मैया। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो तो दोस्तों, ये उम्मीद है ये गाना, ये भजन सॉरी, ज़रूर आप सबों को पसंद आएगा, क्योंकि बड़ी बड़े दिल से इसकी धुन तैयार की गई है, और उतने ही दिल से इन्होंने प्रवीण जी ने गाया भी है। तो बाकी आप लोग हमारे
जनता जनार्दन होते हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में है। बस यही है प्रार्थना आप लोगों से कि जिस तरह से आप लोगों ने तारा म्यूज़िक के हमारे सभी गीतों को सुना है, सराहा है, पसंद किया है, क्योंकि हमारा अपने आप से एक वायदा है कि हम इस चैनल को एक पारिवारिक और सामाजिक चैनल ही बना के रखेंगे, तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग भी मिल रहा है। तो इसके लिए हम आप सभी दर्शकों के, श्रोताओं के बहुत हृदय से आभारी हैं और आपसे यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने अभी तक तारा म्यूज़िक के तमाम कलाकारों को अपना आशीर्वाद प्यार दिया है, उसी तरह से हमारे प्रवीण कुमार यादव जी को भी अपना प्यार आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ ही विदा चाहेंगे हम आपसे। सब्सक्राइब एक बार कर लें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।